अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? फहामा फातिमा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन का जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो कैसा है? जहाँ तक मुझे लगता है, रिसेंटली आई हैव कम फ्रॉम अब्रॉड, मैं अब्रॉड से आई हूँ और बेसिकली मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हूँ। एंड इन माई ओन ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की स्टडी बहुत अच्छी है। मैं करंटली ओ लेवल्स कर रही हूँ, प्री ओ लेवल्स, तो मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है। बट आप ये भी देखें कि अगर यहाँ पर एक इंसान कमा रहा है, यहाँ पर फीसेज कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर 25,000 प्लस फीसेज ही शुरू होती हैं। यहाँ पर इतने सारे स्कूल हैं जिनकी 1.5 लाख, 1 लाख, कोई एक यहाँ पे ऐसा स्कूल भी है जो $28,000 में फीस लेता है। तो आप सोचें कि एक इंसान अगर कमाएगा तो अपनी रोटी पे लगाएगा, अपने बिल्स पे लगाएगा, क्या क्या करेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इकोनॉमिकली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे ही निज़ाम चलता रहा तो यहाँ के बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। हमारी जो कौम है, हमारी जो जनरेशन है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ ब्राइटर करना चाहती है, पर यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो कुछ कर नहीं सकते यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ के हालात ही ऐसे हो गए, क्योंकि पेरेंट्स फ़ीस के लिए दे कैंट पे, उनके पास फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए पे कर सके। और हमारी जो पाकिस्तान की जनरेशन है वो नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि इट हैज़ टू बी द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। जैसे आप कह रही हैं कि आप 25,000 रुपया एक माह की फ़ीस दे रहे हैं, जो जिस बंदे की महीने की जो इनकम है वो ही 25,000 रुपया, आपको नहीं लगता कि उसका बच्चा जो है वो मेरे ख्याल में अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता? पढ़ने तो दूर की बात है, नहीं पहन सकता, क्योंकि अगर नहीं पहन सकता, अगर वो फ़ीस देंगे वो क्या क्या करेंगे? आप देखें कि यहाँ पर मज़दूर जो हैं, हमारे पाकिस्तान में मज़दूर कितनी मेहनत से काम करते हैं और यहाँ पर उनको तनख्वाहें भी बहुत कम मिलती हैं। और अक्सर ऐसे भी लोग पाकिस्तान में हैं जिनको तनख्वाहें अपने टाइम पर नहीं मिल रही, उनको मुश्किल से अपना का खर्चा करना पड़ रहा है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना पाकिस्तान में। उनके लिए मेडिकल हासिल करना भी नामुमकिन हुआ है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।